अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ है आप जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियां और कामयाबियां आपका और मेरा हम सब का मुकद्दर हो, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो मजेदार सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप जरूर इसको एंड तक देखिएगा और जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जो है प्रेस करना मत भूलिएगा। पहले कि मैं वीडियो की तरफ जाऊं, मैं यही कहूंगी कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की और प्यार की जरूरत है मुझे। m.i फैशन कलेक्शन इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मजेदार यमी ज्यूसी चिकन बर्गर। सो ये जी बहुत ही क्विक एंड इजी है, आप झटपट घर में बनाइए, अपने प्यारों से दाद वसूल कीजिए। ऑब्वियसली आप जब बना के खिलाएंगे तो सब कहेंगे वाह वाह वाह। जी हाँ, आपकी तारीफ जो है कम नहीं होगी बल्कि बहुत ज्यादा होगी। सो आपने क्या करना है, चिकन फ्ले लेना है एक बड़े साइज का और उसको क्यूब्स में कट कर लेना है। और ये जी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और ये जी थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी पिक्चर भी बनानी होती है जो कि थंबनेल में यूज होती है, तो उसके लिए जी ये डेकोरेशन चल रही है। तो चिकन फ्ले आपने क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है और स्पाइसेस में आपको चाहिए 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून आपको धनिया पाउडर और पिंच ऑफ गर्म मसाला, और आपको धड़ा मिर्च 3 टेबलस्पून चाहिए, अदरक लहसुन पाउडर आपको 1 टीस्पून चाहिए, और पेपरिका पाउडर 2 टीस्पून, और पिंच ऑफ ओरिगैनो सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और 2 टेबलस्पून आपको योगर्ट चाहिए होगा। सो एक प्याज और 2 टमाटर आपने जो बर्गर के अंदर लगाने हैं, और इसके अलावा आपको कटा हुआ हरा धनिया जो होता है वो आपको चाहिए, और 1 टेबलस्पून आपको सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए सिरका। और ये चीज़ें जी आपको चाहिए, मेन इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं ये। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन सबको अब आपने किस तरह से ऐड करना है और बनाना है। सो ये जी स्टोव ऑन हो गया है और कढ़ाई जो है वो मैंने रख दी है इस पे, और आपने ऑयल लेना है ऑलमोस्ट 3 to 4 टेबलस्पून, और उसमें आपने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करना है, और साबित ज़ीरा, वाइट ज़ीरा। आप इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जैसे ही ये गोल्डन होगा, और आप इसमें चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन ऐड करने के बाद आप इसमें सब स्पाइसेस जो थे वो आपने डालते जाना है, जिसमें रेड चिली पाउडर है, रेड कुटी हुई मिर्च है, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये अब आपने ऐड करना है। इसके बाद आपने पेपरिका पाउडर ऐड करना है और ओरिगैनो आपने ऐड करना है। ऑलमोस्ट सारे स्पाइसेस आपने बीच में ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसमें विनेगर और सोया सॉस भी ऐड कर देना है साथ साथ, और इसको आप अच्छे से मिक्स करें। ये जो सोया सॉस मैं अब ऐड कर रही हूँ, और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद इसको ऑलमोस्ट मैं 20 मिनट्स पकाऊंगी, क्योंकि चिकन जो है वो गली होनी चाहिए आपकी सही से। यहाँ जी मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जो मैंने योगर्ट ली थी, दही ली थी, आप दही ऐड इसमें कर दें और इसको आप अच्छे से मिक्स करें, और आप चाहें तो इसको ढांप के तकरीबन बना सकते हैं 10 से 15 मिनट। अगर आपने इसको ऐसे ही बनाना है ओपनली तो फिर आप इसको 20 मिनट दीजिए ताकि इसका पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए। जी ये फाइनली चिकन जो है वो रेडी है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और इसको अब मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। जी अब मैं इसको एक बाउल में निकाल चुकी हूँ, अब जो है बर्गर हमने बनाने की तैयारी शुरू करनी है। उसके लिए हम चिकन को निकाल चुके हैं बाउल में, और तवा जो है वो आपने स्टोव पे रखना है, और 1 टीस्पून जो है वो आपने बटर तवे पे रखना है। जैसे ही तवा गर्म होगा बटर मेल्ट होता जाएगा, और साथ ही आपने जो कटा हुआ सब्ज़ धनिया है वो साथ आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। जी तो ये जी डॉन के बर्गर बन मैंने यूज़ किए हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हैं ये। और यहाँ पे मैं तवे पे जो मैंने बटर और बारीक चॉप किया हुआ धनिया रखा था वो मेल्ट हो चुका है,
और मैं अब इसको बन को अच्छे से सेक रही हूँ तवे पे, ताकि वो जो बटर है और धनिया है वो अच्छे से बन के ऊपर लग जाए, अच्छे से सिक जाए, गोल्डन कलर आ जाए, खूबसूरत सा कलर आ जाए। ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना आपने, ज़्यादा मतलब क्रिस्प भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। मिड में आप इसको उतार लेंगे और फिर मायोनीज सॉस मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, और इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मायोनीज सॉस जो है वो इजीली मार्केट में मिल जाती है। और ये जी मैं चिकन जो मैंने रेडी किया है इसकी फिलिंग कर रही हूँ। इसकी फिलिंग करने के बाद इसके ऊपर जो है वो जो मैंने अनियन लिया था उसको मैंने राउंड स्लाइस इसके काट लिए थे, और टमाटर जो है वो भी मैंने ऐसे ही गोल स्लाइस ले लिए थे। और इसके बाद फिर मैंने ग्रीन चटनी इसके ऊपर ऐड ऑन की थी। ग्रीन चटनी भी हमारे घरों में आम तैयार होती है, जैसे कि धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला और कुछ ड्रॉप्स लेमन के, वो मिक्स करके धनिया पुदीना की चटनी बन जाती है दही ऐड करके। और उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये जी फाइनल लुक है इसकी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और जाते जाते यही कहूंगी कि अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखिए, अल्लाह ताला आपको मुझे हम सबको मुनाफिकीन और गंदे लोगों से, बुरी नज़रों से हमें बचा के रखें, और लोगों को नेकी और अच्छा करने की तौफीक दें। और लोग वाकई भूल चुके हैं कि हमें इस दुनिया में रह के अल्लाह को भी जवाब देना है, तो अल्लाह ताला बुरे लोगों की शर से हमें महफूज रखे और हिदायत दे। सो जी आप मुझे इजाज़त दें इस मैसेज के साथ कि हम खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे, जो चीज़ बांटेंगे वो लौट के आएगी। अल्लाह हाफिज़।